नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। कारगे चौक और धोरण में लगेगा स्मार्ट कॉम्पैक्टर कूड़ा ट्रांसफर यूनिट, लोगों को बदबू से मिलेगी निजात। कारगे चौक और धोरण में कूड़े के ढेर के कारण आसपास के लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन अब कूड़े के ढेर नहीं दिखाई देंगे क्योंकि नगर निगम जल्द ही कारगे चौक पर 3 और धोरण में 2 स्मार्ट कॉम्पैक्टर कूड़ा ट्रांसफर यूनिट लगाने जा रहा है। नगर निगम प्रशासन द्वारा स्मार्ट कॉम्पैक्टर कूड़ा ट्रांसफर यूनिट के लिए DPR बनाकर वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलने के बाद यूनिट लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। हल्द्वानी, गला तर करना भी हुआ महंगा, अब इतना आएगा उपभोक्ताओं का बिल। आम जनता को महंगाई की एक बार फिर से मार पड़ने जा रही है। हल्द्वानी में पेयजल उपभोक्ताओं को पानी पीने के लिए जेब ढीली करनी होगी। जल संस्थान ने घरेलू कनेक्शन में 9 से 11% जबकि व्यावसायिक कनेक्शन में 15% की बढ़ोतरी की है। बड़ी दर जुलाई माह अपने आने वाले बिल में बढ़कर आएंगे। बढ़े हुए दर का असर हल्द्वानी जन संस्थान के करीब 70,000 घरेलू कलेक्शन व करीब 12,000 व्यावसायिक कनेक्शन पर पड़ेगा। नदी ने रोकी शव यात्रा, घंटों इंतजार के बाद हुआ अंतिम संस्कार, चुनाव बहिष्कार के बाद भी नहीं मिला पुल। पहाड़ों में हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 6 जुलाई तक प्रदेश में तेज बारिश की आशंका जताई है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार को बारिश के कारण हल्द्वानी से महज 7 किलोमीटर दूर सूखी नदी में तेज पानी आ गया। इस दौरान नदी पार जा रही शव यात्रा पानी के तेज बहाव के कारण नदी किनारे ही रुक गई, लेकिन नदी का बहाव काफी तेज होने के कारण लोगों को उस पार जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। काफी इंतजार के बाद पानी का बहाव कम हुआ तो लोगों ने वाहन से शव को नदी पार कराया और अंतिम संस्कार की विधि पूरी की। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर पानी से चलना हुआ दुर्भर, जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे यात्री। यमुनोत्री धाम में मुख्य मंदिर के पास नाले का पानी पैदल मार्ग पर बह रहा है, लेकिन संबंधित विभाग इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है, जिसके चलते पैदल मार्ग पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है। तीर्थ पुरोहितों ने पैदल मार्ग पर बह रहे पानी की निकासी के लिए ठोस इंतजाम करने की मांग की है। बारिश के पानी से भरे स्मार्ट सिटी के सड़कों के गड्ढे, DM ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों से कहा। जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने सबसे पहले राजपुर रोड से क्रॉस मॉल रोड और AC रोड से होते हुए सहस्त्रधारा क्रॉसिंग तक का निरीक्षण किया। इसके बाद IT पार्क होते हुए कैनाल रोड से राजपुर रोड तक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड और निर्माण खंड सहित स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के गड्ढे भरान के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, साथ ही ड्रेनेज सिस्टम के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सड़कों पर जल भराव न हो, इसके लिए उचित व्यवस्थाएं की जाए, साथ ही सड़कों पर गड्ढे न रहें। जहां पर गड्ढे हैं वहां गड्ढे भरकर पैच किया जाए। आम जनता को परेशानी ना हो, किसी प्रकार की दुर्घटना घटित ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। लंपी वायरस का कहर, उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा लंपी वायरस। नैनीताल में बढ़ाई जाएगी वेटनरी डॉक्टरों की टीम। उत्तराखंड में लंपी वायरस फिर से पैर पसारने लगा है। खासकर नैनीताल जिले में केस ज्यादा सामने आ रहे हैं, ऐसे में नैनीताल में वेटनरी डॉक्टरों की टीम को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पशुपालन मंत्री सौरभ भगना ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेते हुए यह निर्देश दिए। देहरादून में NH के सहायक इंजीनियर की पिटाई, भागकर बचाई जान, जियो कर्मचारी पर लगा आरोप। देहरादून में NH के सहायक अधिशाषी अभियंता पर जियो कर्मचारी ने जमकर लात घूंसे बरसाए। किसी तरह से अभियंता उनके चंगुल से छूटा और भागकर अपनी जान बचाई। अब अभियंता ने जियो कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पूरा मामला केबल बिछाने को लेकर जुड़ा है। देहरादून में डेंगू की दस्तक, 6 मरीज पाए गए पॉजिटिव, स्वास्थ्य सचिव ने जारी किए ये निर्देश। उत्तराखंड में मॉनसून सीजन की दस्तक के साथ ही देहरादून जिले में डेंगू मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। देहरादून के सिंगल मंडी, रेस्ट कैंप, कुसुम विहार, अचबपुर कला, पथरीबाग और विकास नगर में 6 डेंगू पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। मॉनसून सीजन में डेंगू की रोकथाम को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को डेंगू के रोकथाम और नियंत्रण को लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मॉनसून सीजन के आते ही डेंगू की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे में डेंगू मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यवस्थाएं की गई हैं। यह भी संज्ञान में आ रहा है कि डेंगू के लक्षण देख लेकर कुछ मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड, एक हफ्ते में नहीं हटा पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो होगा आंदोलन। अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला अभी भी सुर्खियों में है। बीते दिनों अंकिता की माने सोनी देवी ने सोशल मीडिया पर आत्महत्या करने की चेतावनी देते हुए एक वीडियो जारी किया था, जिसके बाद सोमवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पौड़ी के डोब शिकोट गांव पहुंचकर अंकिता के परिजनों से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद गोदियाल ने बताया कि अंकिता के परिजनों को अब सरकारी वकील की कार्यशैली पर संदेह है, इस कारण परिजन अब सरकारी वकील को हटाने की मांग कर रहे हैं। अल्मोड़ा में ग्राम प्रधान को दी जान से मारने की धमकी, गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट से मिली जमानत। अल्मोड़ा में बख गांव के ग्राम प्रधान को जान से मारने की धमकी देने वाला सैफ अंसारी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी सैफ अंसारी ने गांव में घुसकर एक महिला से बदसलूकी की, फिर 8 नाली जमीन को अपना बताने लगा। जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी गाली गलौज करने लगा।
जोशीमठ बाईपास का आंदोलनकारी अतुल सती ने किया विरोध। इंद्रेश मैखुरी ने भी सरकार को लपेटा। उत्तराखंड के चमोली जिले में हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। इसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। इस मामले को लेकर 3 जुलाई को श्रीनगर गढ़वाल में भाकपा माले के राष्ट्रीय सचिव इंद्रेश मैखुरी और आंदोलनकारी अतुल सती ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जोशीमठ में नई दरारें, मानसून के बीच जोशीमठ में फिर से पड़ने लगी दरारें, दहशत में आए लोग। मानसून की बौछार के साथ ही जोशीमठ में नई दरारें पड़ने लगी हैं, जिससे लोगों की धड़कनें और बढ़ गई हैं। ताजा दरार सुनील वार्ड में आवासीय भवन और जोशीमठ ऑल इन मोटर मार्ग की रिटेनिंग दीवार के बीच पड़ा है, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। वहीं सद दरारों ने स्थानीय लोगों और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मसूरी में प्लास्टिक पैकेजिंग पर QR कोड सिस्टम लागू करने की तैयारी, लोगों ने किया विरोध। मसूरी में प्लास्टिक वेस्ट से निपटने के लिए QR कोड सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए आज एक बैठक की गई। बैठक में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, मसूरी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, मसूरी होटल एसोसिएशन के साथ ही कई संस्थाओं ने भाग लिया। इसमें से अधिकतर ने इस योजना का विरोध किया। मानसून के दस्तक से सहम जाते हैं उत्तराखंड के 400 से ज्यादा गांव, जान पर भारी पड़ रहा बजट। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद ही तमाम गांव डर के साए में जीने को मजबूर हो जाते हैं। प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भूकंप आना, भूस्खलन और आपदा जैसे हालत बढ़ना आम बात है। लिहाजा संवेदनशील क्षेत्रों में बसे लोगों को मानसून में आने वाली आपदा का डर सताने लगता है। यही नहीं, लंबे समय से सैकड़ों परिवारों को स्थापन की मांग भी उठती रही है, लेकिन अभी तक इनका पुनर्वास नहीं हो पाया है। ऐसे में प्रदेश में संवेदनशील क्षेत्रों पर बसे परिवारों की स्थिति विकट है। टिहरी में कांवड़ियों ने पूर्व प्रधान के पति को पीटा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। टिहरी में कांवड़ियों का पूर्व प्रधान के पति के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद कांवड़ियों ने पूर्व प्रधान के पति को जमकर पीटा, जिससे पूर्व प्रधान का पति घायल हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने चारों कांवड़ियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। खुशखबरी, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में मरीजों को मिलेगी MRI की सुविधा, स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन। गढ़वाल क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी खबर है। पौड़ी के श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में मरीजों को अब MRI की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। लगभग 13 करोड़ की लागत से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज शेखकोट में MRI मशीन लगाई गई। मशीन का उद्घाटन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और गढ़वाल सांसद तेज सिंह रावत ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन समारोह में देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी, पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी, केदारनाथ विधायक शैलारानी रावत, विधायक भरत सिंह चौधरी मौजूद रहे। हल्द्वानी में हनी ट्रैप मामला, व्हाट्सएप कॉल के जरिए बनाया अश्लील वीडियो, किया ब्लैकमेल। वीडियो कॉल करने के बाद एक व्यक्ति को अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर व्यक्ति से लाखों की ब्लैकमेलिंग करने का मामला सामने आया है। जासूस अभी भी व्यक्ति से पैसों की डिमांड कर रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। उत्तराखंड हॉर्स ट्रेनिंग मामला, कल CBI कोर्ट में पेश होंगे हरक और हरदा। बर्खास्त हरिद्वार जिम अध्यक्ष सरिता चौधरी वित्तीय अनियमितता मामले में सुनवाई, सरकार से जवाब तलब। हरिद्वार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता चौधरी समेत अन्य लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कल वित्तीय अनियमितता मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही कहा कि इस मामले में सरकार का जवाब आना आवश्यक है। पूरा मामला जिला पंचायत का करोड़ों रुपए वापस न करने से जुड़ा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।